बहुत बड़ी सांप आई है। पहन लीजिए भैया, गिर जाओगे तुम। चलो वहां पे हम लोग कर रहे हैं छठ मैया की पूजा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे। और दोस्तों आज छोटी छठ, तो मेरा व्रत है आज भी, और कल है बड़ी छठ, तो कल भी मेरा व्रत है। बहुत बड़ी सांप आई है उस बैग में। देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। मारिए, ए रुको और मारो मारो। चलो बेटा चलो अंदर, चलो अंदर, चलो। सांप आए हैं, सांप आए हैं। देखो कितना बड़ा, भाग जाओ। क्या कितने में पढ़ती हो? ढेर। ये ढेर वाला स्कूल कौन है? कितना कितना? ओह, ऐ छोड़ दो बेटा, गंदी बात। यू के जिम पढ़ती हो? और इसकी शरारत देख सकते हैं आप लोग। तीनों लोग को मार रहा है। ऐ गिर जाओगे बेटा। ऐ ऐसे बोलते हैं। मंजू वाली क्या? चल अभी छठ हुई या मनाई है। बाबू साइकिल बैठा है क्या? ऐ बाबू, लड़की गुस्सा कर रही है। अबे बैठ जाने थोड़ा सा, अब चलेंगे घर ना, तो पापा इसमें खरीदेंगे खरीदेंगे। अभी बैठा दे, रुक जा। केक नहीं चाहिए, अलग आइसक्रीम वाला चाहिए। ले लो बेटा तुम भी, दे दो, फाड़ के दे दो, सारे बच्चे के दे दो। बैठ बैठो अच्छे से। साइकिल के लिए इतने रो रहे हैं, पूछिए मत। गिर भी जा रहे हैं लेकिन फिर भी चलाना नहीं छोड़ रहे हैं। गिर जाओगे। मैं ब्लाउज कट कर रखी हूँ जारी सिलने के लिए, क्योंकि ये वाली ब्लाउज भाभी का है और परसों पहनेगी, जिस दिन घर आता है उसी दिन पहनेगी। और आज है छोटी दिवाली,
तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम तो बचेगा ही नहीं, आज भी मेरा व्रत है और कल भी मेरा व्रत रहेगा, तो अगर सिल जा रहा है तो सही है, नहीं तो नहीं सिलेगा तो फिर मेरी भाभी क्या पहनेगी। तो इसीलिए अब मैं चल रही हूँ सिलने, इसको मैं कट कर रखी हूँ और अभी रात में भी मेहंदी लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो ब्लाउज है सिल लूँगी तभी तो रात में मेहंदी लगाऊँगी, या नहीं तो रात में ब्लाउज सिल लूँगी तो मेहंदी कब लगाऊँगी, यही टेंशन है। और अभी टाइम बज रही है 4, मेरा घर पता नहीं कैसे हो गया है। तो इतना आज काम था घर में, इतना काम था कि सारा जितना भी सफाई होता है सारा सफाई आज ही हुआ है, क्योंकि हम लोग का व्रत भी है और जिस दिन छोटी छठ होता है उसी दिन मतलब पूरी सफाई होती है, तो इसीलिए टाइम और भी लग गया, शाम हो गया काम करते करते। काम तो मैं कुछ भी नहीं करती, मेरे दोनों बच्चे परेशानी करते हैं, मतलब अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ब्लाउज सिल दी होती, लेकिन मेरे बच्चे ही नहीं टाइम मुझे दे पाते हैं, तो इसीलिए अब मैं चल रही हूँ, देख रही हूँ सिल जा रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या करूँगी, रात में सिलूँगी फिर मेहंदी मेरी मिस हो जाएगी, तो मैं चल रही हूँ ब्लाउज सिलने के लिए। इधर मैं कपड़े सिल रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। क्या चाहिए? मोबाइल देखते देखते दूध पियोगे? मोबाइल गर्म हो गया बेटा, सुबह से मोबाइल देख रहा है, लेकिन एक बार इसका मन नहीं भर रहा कि हाँ चलो मैं रख दूँ, बस भूख प्यास लग रही है तो दूध चाहिए, तो पानी चाहिए, दूध चाहिए, चलो मैं पिला दूँ। हे छठी माई, एक बुद्धि दे दिया मेरे लइकवा के बगला हुए, कुर्सी भरल है ना, इधर हम लोग कर रहे हैं पूजा। बाबू पानी पिएगा, पूजा हो जाएगा, छठ माई की पूजा हो रही है, छठ माई की पूजा हो रही है। हम लोग पूजा पाठ कर लिए और जो रसिया और रोटी खाया जाता है वो भी हम लोग खा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ ब्लाउज सिलने, क्योंकि थोड़ा सा उसमें सिलना है, ज़्यादा नहीं सिलना है, और उसके बाद से चलूँगी मेहंदी लगाने। और दोस्तों मेरी वीडियो आज यहीं तक है, क्योंकि मेरी ये जो ब्लॉग वीडियो जाएगी बहुत छोटा जाएगा, क्योंकि मैंने उतना कुछ शूट ही नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो क्या मैं शूट करूँ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और आज तो पूरी रात जगना ही है, क्योंकि कल बड़ी दिवाली, बड़ी छठ, सॉरी बार बार मिस्टेक हो जाता है।